आवाज आ रही है अभी आ रहा, सब को? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट ना। या तो वही मैं कह रहा था कि कल कल मेरे को एमबीए के लाइव में मैं आया था, और मैंने कुछ कुछ कमेंट्स किए। उसमें से एक कमेंट था कि तूने रिलीजन पे मेरे को डिस किया। तो राइट उसके बाद मेरे को एमबीए ने अप्रोच किया, मेरे को फोन किया, और मेरे को बोला कि वो ऐसे सेंस में नहीं बात कर रहा था, और वो राइम करना चाहता था, और राइमिंग के चक्कर में उसने ऐसे बोला, लेकिन मैंने कोई और चक्कर में ले लिया उस बात को। और एग्जैक्टली मैंने अग्री किया कि क्योंकि उन्होंने अप्रोच करके मेरे को बताया कि क्या सेंस में वो बोल रहे थे, क्योंकि वो गाने में काफी बार वो मेरी क्रिसमस वर्ड यूज किया गया था। और मैं ही एक कैथलिक लड़का था जिसमें वहां पे टारगेट बना था, और वहां पे दो तीन जन को, जो भी तुम किसको बोल रहे थे उसमें से मैं एक था, राइट और इसलिए तुमने मेरे से क्लियर किया। और ऊपर से जो लास्ट 3-4 दिन में मैंने कभी किसी को डिस नहीं किया है, ये पहली बार मैंने डिस गाना डाला, क्योंकि मेरी हट गई थी, मैं फुल एकदम अलग मूड में चले गया, और मैंने इसलिए दो दो गाने डाले। राइट और दो गाने डालने के बाद तुमने एक गाना डाला, यस और लेकिन मैंने सेकंड गाने में लास्ट में मैंने बोला था कि मेरी क्रिसमस मत बोलना बनता है, लेकिन तुमने वो बात बराबर से मेरे को लगता है तुमको पकड़ा नहीं, मैंने क्योंकि पूरा तुमने ट्रैक बोले कि एक्चुअली, मेन या वोकल। मैंने पूरा सुना ही नहीं था प्रॉपरली ट्रैक, राइट। एंड देन तो लेटर ऑन उसमें आई मैंने जस्ट बोला भी था कि जब कल तुम कमेंट उससे आया था बात ना ब्रो, कन्फर्म करते थे। यू व्हेन यू कमेंटेड यस्टरडे, सो आई वाज लाइक, मेरे को स्क्रीनशॉट आया फैंस का, दे वर लाइक ब्रो रिलीजियस डिस की बात हो रही है, सो आई वाज लाइक शिट मैन सीरियसली, आई वो मैं कभी भी कोई भी रिलीजन के ऊपर जाके मैं कभी भी डिस नहीं करूंगा, दैट्स नॉट माय गेम यू नो ब्रो, ऐसा कभी भी नहीं है, दैट्स ऑलवेज आई हैव ऑलवेज बीन रिस्पेक्टिंग ऑल द आर्टिस्ट, एंड मैंने हमेशा लाइव में बोला है, स्टेज पे बोला है, एंड इवन यू नो मैन, है ना, सो वही मैं वही क्लियर करना चाहता था, और तुमने क्लियर किए, तो यस मैं बोला अभी यस बैक एंड फोर्थ करते 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 ये ना साल सिर्फ हो जाएगा हेट फिर बढ़ेगा बैक एंड ब्रो, फोर्थ बिकॉज वी करते। आर फ्रॉम बॉम्बे, एंड मैं स्पेशली बॉम्बे की पब्लिक एंड सबको ये बोलूंगा, मी एंड डिवाइन हम लोग दोनों बॉम्बे से है, एंड सीन आज माशाल्लाह इतना आगे आ चुका है, अपन लोग इतना आगे चीजों को खींच के लेके आ गए, एंड यहाँ पे आने के बाद सिर्फ दिस 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 होएगा, तो आई डोंट थिंक सो इट्स गुड नहीं फॉर सही नहीं, क्योंकि एनीवन, क्या है ना, दूसरे लोग मजे लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और इसमें हेट भी ज्यादा पैदा हो गया है, एकदम ज्यादा मेरे को ईमेल्स आ रहे थे, और तुमको भी आया है, तुम्हारी मम्मी राइट डैडी भी राइट परेशान थे, तुम बता रहे थे, दैट्स नॉट और गुड, उसमें क्या है मेरे या घर दोस्तों पे भी भी फोन इफेक्ट हो कर रहा है, कर करके करके मेरे को बता रहे थे कि और एक रिप्लाई डालना चाहिए, हेड डालना चाहिए, लेकिन तुमने फोन किए वो सही किया, और क्योंकि हेड भी कम हो अदरवाइज जाएगा। अदरवाइज और यू वुड हैव ड्रॉप दिस अरे तुमने रिबटल किया, मैं बोला मैं भी रिबटल करता हूँ। सीरियसली ब्रो पीपल, तो हाँ नहीं, लेकिन क्या है ना, इस टाइम पे मेरे मेरे हिसाब से बॉम्बे और महाराष्ट्र सबसे इफेक्टेड है इस कोरोना वायरस के कोरोना कॉज वायरस में। से, और ये टाइम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, जबकि सबको पीस रखना है, सब अपने घर पे खुश रहे, हाँ, तुम एंड लोग ने मजे ले लिया, अभी 3 गाने के मजे ले लिया, या अभी मेरे पीपल हैड हिसाब से फन, तुम लोग अंदर लेना पड़ेगा, सेफ रहो, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इफेक्टेड है यस पूरे में। एवरीबॉडी स्टे सेफ होम, या बस मैं यही बोलने आया था, और तुम मचाओ, अपन भी तुम भी मचाएंगे। मचाओ इंशाल्लाह, ऑल लव, टेक केयर ब्रो, पीस आउट, अब लव। सो यस दिस वॉज अ गुड सेशन, सब लोग